Students, welcome to your channel Engineering and Technology. Subscribe, like and comment your channels. अगर आपको इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखना हो ऑनलाइन तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी को भी नीड हो इस पर कोई काम कोई प्रोजेक्ट बेस उनको इस कॉन्टेक्ट पे वो रब्ता कर सकते, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 16, ठीक है। आज का जो लेक्चर नंबर 16 है उसमें जस्ट एक ही कमांड हम डिस्कस करेंगे, टेबल कमांड्स। कि टेबल कमांड्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कहां कहां पर ड्राइंग में इसका इस्तेमाल होता है। टेबल कमांड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए ड्राइंग में, ठीक है। तो टेबल कमांड्स का जो शॉर्टकट है वो टीवी एंटर है। टीवी एंटर के प्रेस करने के बाद आपके पास बाकी एडजस्टमेंट आपने उसमें कर लेनी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, टेबल होते कैसे है। बेसिकली ये मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक जब आप ड्राइंग कंप्लीट कर लो तो उसके बाद आपको इस तरह की एक टेबल क्रिएट करनी होती है जिसमें आप टाइटल में लिख लेते हो सबमिशन ड्राइंग, ओनर साइन, क्लाइंट का नाम, शेड्यूल्स मींस टाइप, साइज एंड डिस्क्रिप्शंस, जो मतलब आपने डोर है D1 है उसका क्या साइज है, विंडो 1 है, ठीक है। इस तरह लोकेशंस, प्लॉट लोकेशन वगैरह ये सब चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी होती है, ठीक है। फिर शेड्यूल्स एरिया में मतलब आपका टोटल एरिया कितना है, डेट क्या है, साइन क्या है, यहाँ पर आर्किटेक्चर का नाम या आर्किटेक्चर साइन, क्लाइंट कौन सी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने टेबल में ऐड करनी होती है। तो आइए चलते हैं, हम अपने ऑटोकैड कोई नई फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर ये जो हमने एक प्लान बनाया था उसी के साथ हम अप्लाई इस पर करते हैं, यहाँ इसके साथ ही टेबल कमांड अप्लाई करते हैं, टी बी एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो नजर आएगी। यहाँ पर लिखा है कॉलम्स टू कॉलम, यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास 3 कॉलम है, ठीक है। ये रो है, रो बाय डिफॉल्ट ही 2 शो कर रहा है, अब 7 मतलब ये हमारे अब ये 9 शो करेगा, ठीक है। और यहाँ से ये इनको भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो जिस तरह आपको चाहिए उस तरह आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर ये हाइट लाइन में मतलब जितनी आपको हाइट रिक्वायर्ड है, मैं चाहता हूँ मुझे 2 इंच ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये टेबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स यहाँ पर जाके आप इसमें करंट सेटिंग या न्यू कोई मॉडिफाई करना चाह लें तो ये इसमें आप मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम टाइटल्स वगैरह, इसकी मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल इसकी चेंज की जगह 8 इंच रख लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। राइटिंग आप इसमें रेड लेना चाहते हैं तो रेड कर ले, ठीक है। ये फिलअप कलर अभी सारा कुछ आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब टेक्स्ट हाइट कितनी है, टेक्स्ट हाइट ये इसको भी आप चेंज कर सकते हो अगर चेंज कर लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 2 इंच, ठीक है। यहाँ से अब टेक्स्ट कलर्स है ये जो भी कलर्स आपको रिक्वायर्ड हो, अलाइनमेंट्स कलर्स है, यहाँ से आप कलर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये बॉर्डर्स हैं, मतलब जिस तरह आप इसको बॉर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, थीके? जिस साइज के मतलब आपको बॉर्डर रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आप इसके बॉर्डर रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा जो टाइटल है वो इस तरह कुछ नजर आएगा। यहाँ से करंट सेट कर ले, करंट सेट पर क्लिक करें, देन ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेस कर ले, ओके, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो माउस कर्सर के साथ आपका एक टेबल नजर आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर मेरे साथ फिक्स हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है टाइटल बार में, मतलब आप कुछ लिख लेना चाहते हो। यहाँ से मैं फॉन्ट एडजस्ट कर लेता हूँ, टाइम न्यू रोमन, यहाँ से मैं बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ
सबमिशन ड्रॉइंग, ठीक है। नेक्स्ट ओके प्रेस करने के बाद ये देखो अब नेक्स्ट यहाँ पर आ गया आपका जो कर्सर है वो नीचे रो में आ गया। अब यहाँ पर अगर आप लिख लेना चाहते हो फॉर एग्जांपल फर्स्ट, फॉर एग्जांपल इसमें आप लिख लेना चाहते हो ऑनर्स, ठीक है, ऑनर्स ऑनर्स भी आ गया, ठीक है। अभी अगर आप इसको टाइप के साथ नेक्स्ट में शिफ्ट करना चाहते हो मतलब नेम्स ओनर्स का नाम या क्लाइंट का नाम, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो क्लाइंट नेम, ठीक है। नेक्स्ट टैब प्रेस कर लो तो आप नेक्स्ट दूसरे में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कोई एड्रेस लिख लेना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं। अगर आप ओनर का साइन चाहिए तो यहाँ पर आप लिख लें क्लाइंट सिग्नेचर, ठीक है। नेक्स्ट टैब प्रेस करें तो नेक्स्ट ये लाइन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप अगर इसमें अब लोकेशन ऐड करना चाहते हो तो लोकेशन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर मतलब अब आप इसमें नीचे आपने डोर्स के लिए वो क्रिएट कर लेनी है, फॉर एग्जांपल आप इसमें डोर क्रिएट हो डोर की मतलब D1 D2 ये चीज़ें, तो यहाँ पर पहले आप लिख लें टाइप्स, ठीक है। टाइप्स लिखने के बाद अगर इसकी आपको फॉन्ट या साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर लेनी चाहिए तो यहाँ से आप चले जाए यहाँ पर क्लिक कर ले 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो कर ले टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है, यहाँ पर मिड में कर ले इसको, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर टाइम गया, ठीक। इस तरह अगर आप इसमें कर लेना चाहते हैं तो इसमें भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल लिख ले साइज लिख ले, ठीक है, साइज लिख लें, ठीक है। अब इसका साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से इसका साइज भी एडजस्ट कर लो 6 टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ से आप इसको मेट कर लो, ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, वही सेम टू सेम टाइम न्यू रोमन्स, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ 6, इसको पहले सेलेक्ट कर ले टाइम न्यू रोमन्स, यहाँ से आप कर ले 6 inches, देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर आप इसको सेंटर में लेके आना चाहते तो सेंटर में लेके आ सकते। अब टाइप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल D1 है हमारे पास, ठीक है, D2 है, D2, D3, ठीक है, W1, W2, ठीक है, मेन गेट है, ठीक है, फिर स्मॉल गेट एक है, ठीक है। तो ये सारे लिखने के बाद आप इसका साइज लिख लें यहाँ पर, ठीक, इनको अगर आप मिड में कर लेना चाहते हो तो सबको आप मिड में भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको ये नीड हो उसके मुताबिक आप कंप्लीट टेबल को एडजस्ट कर सकते हो। इसको भी मिड पे करो, इसको भी मिड पे करो, इसको भी मिड, डबल क्लिक करो फिर इस पे क्लिक करो तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली मिड में आ जाएगी, ठीक है, ये भी मिड में आ गई, ठीक है। तो इस तरह आपकी इस टेबल में आपने मतलब अब साइज पुट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ D1 का जो हमारे पास साइज है वो है 3.5 feet इंटू 8 feet, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने साइज को एट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बोल्ड वगैरह आप इसको करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। सेम वही स्टेप है, टाइम न्यू रोमन आप कर ले, यहाँ से आप इसकी साइज इंक्रीज कर ले, देन ओके, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यही टेक्स्ट सेम टू सेम इसी कंडीशन में हमारे पास नीचे आए तो यहाँ से इसको कॉपी कर ले और यहाँ पर इसको पेस्ट कर ले, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद जब आप इसमें एडिटिंग कर ले, ठीक है। नेक्स्ट मुझे 3x8 का डोर चाहिए, यहाँ से फिर इसको कॉपी कर ले, यहाँ पर इसको दोबारा यहाँ से यहाँ पर इसको पेस्ट कर ले। नेक्स्ट जो हमारा डोर 3 है उसका वॉशरूम्स के डोर है तो मैं उसका साइज रख लेना चाहता हूँ 2.5x7 फीट उसकी हाइट हो, ठीक है। अरे इसको दोबारा आप कॉपी कर ले विंडोज़ के लिए, यहाँ पर दोबारा इसको पेस्ट करी, ठीक है। तो अब मैं विंडोज़ का साइज रख लेना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 6x6 फिट, ठीक है। अब W2 का जो साइज है यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, दोबारा इसको यहाँ पर पेस्ट कर लें, ठीक है। तो मैं W2 का जो साइज है वो उसकी मैं विड्थ जो है वो 4 फिट रख लेना चाहता हूँ, ठीक है, और हाइट उसकी 6 फिट, ठीक है। अब मेन गेट की बारी आ गई, इसी को आप कॉपी कर लें, इसी को फिर पेस्ट कर ले। तो मैं रख लेना चाहता हूँ कि मेरा जो मेन गेट हो वो 10 फिट हो, ठीक है, और उसकी हाइट भी 9 फिट, ठीक है। देन इसकी हाइट है 9 फिट, ठीक है। कॉपी फेस्ट। अब जो स्मॉल गेट है इसकी मैं वेट रखना चाहता हूँ 3 फिट, ठीक है, और उसकी हाइट भी सेम, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो टेबल है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो ड्राइंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हमारा टेबल क्रिएशन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।